किनारे बीत रही थी कन्हैया, कहने लगे राधा जब सब यहाँ पर्वत के नीचे हैं तो तुम अकेली क्यों भीगी जा रही हो, यह पर्वत के नीचे आ जाओ राधा। राधा मुंह घुमा करके खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगे राधा मेरे गिर के नीचे आए जा, पर्वत के नीचे आए जा। कन्हैया पे भी नहीं रुका गया तो कन्हैया भी हंसने लगे। और आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल करके देखा हो, जब कोई ताकत का काम कर रहे हो तो उसमें हंसी आ जाए तो ताकत कुछ कम हो जाती है, और जब कन्हैया हंसे तो हुआ क्या, अरे हंसने से हिल गई नहीं कर पाया। मेघमालाएं वापस इंद्र के पास में पहुंची और कहने लगी प्रभु मुझे क्षमा करना भगवान, सात दिन सात रात हो गई, बारिश करते करते मैंने एक क्षण एक पल दम नहीं लिया, लेकिन मैंने उस ब्रज का बाल बांका नहीं कर पाया। इंद्र समझ गया कि इस धराधाम भूमि पर भगवान का अवतार हो चुका है। इंद्र आकर के प्रभु से क्षमा याचना मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो मुरली मनोहर, हम नहीं समझ पाए गोपाल कैसे क्षमा याचना मांगता है वो इंद्र।
मोए करियो क्षमा मारा, मोए करियो क्षमा मारा, भूल मोपे